The Dawn Express. Aina Sashka. नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एनी शर्मा आपके लिए लेकर आई हूँ तमाम खबरें। आपको बता दें कि इस बार उद्धव ठाकरे के पक्ष में कौन उतरा है ये आपको बताएंगे, और साथ ही सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड बाकी खबरें भी आपको देंगे। सारी ताज़ा जानकारियाँ लेकर मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ, आपकी होस्ट एनी शर्मा डॉन एक्सप्रेस में हाजिर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। आपको बताना चाहते हैं कि पहली खास खबर क्या है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ पूरा देश खड़ा है। जी हाँ, एक तरफ जहां पर उन्होंने सुशांत सिंह मर्डर के मामले में जरा भी सहायता नहीं की, बिहार से आए आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटाइन कर दिया, बिहार से आई पुलिस को बिल्कुल भी सहायता नहीं की, बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया, वहीं फिर से उन्होंने कंगना को लेकर उनका विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन ऐसे में ऐसा कौन है, वो भी अयोध्या से, जो उनका साथ दे रहा है। आपको बताना चाहते हैं कि अयोध्या यानी राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत जी इस बार महाराष्ट्र सरकार यानी उद्धव ठाकरे के समक्ष आए हैं। जी हाँ, उनके साथ खड़े होकर उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई नहीं है जो उनको अयोध्या आने से रोक सके। दरअसल कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर उद्धव ठाकरे के आने पे रोक लगाने की बात हो रही है, लेकिन वहीं चंपा जी ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। खैर, देखना यह है कि आगे भविष्य में क्या होगा, क्या ये नया मोड़ लाएगा या फिर ये सिलसिला थमने का नाम नहीं लेगा। आपको बताना चाहते हैं कि जहां पर दुर्गा पूजा जो है वो जल्द ही आने को तैयार है, लोग उत्सुक हैं कि कब वो दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा की पूजा करेंगे। वहीं पर एक और बात सामने आ रही है, और वो ये है कि बांग्लादेश सरकार ने भारत को 1450 टन मछलियों का निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। जी हाँ, बांग्लादेशी हिल्सा स्वाद के लिए बहुत ही मशहूर है, और ऐसे में ये निर्यात किसी भी बड़े फैसले से कम नहीं है। हम सभी आने वाली दुर्गा पूजा के लिए आपको शुभकामनाएं अभी से देते हैं। माँ दुर्गा आपकी सभी कामनाएं पूरी करें। अब आपको ले चलते हैं गुजरात। हम सब जानते हैं कि गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, और इस प्रतिमा के चारों ओर जो भी 14 गांव में रहने वाले आदिवासी हैं, उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है। दरअसल सरकार विकास के लिए भूमि अधिग्रहण करना चाहती है, लेकिन आदिवासियों का मानना यह है कि अगर वहां विकास हुआ तो उनकी आजीविका बहुत ही क्षीण हो जाएगी। और इसी के सिलसिले में रविवार को उन लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई सरकार के खिलाफ। उन्होंने कहा कि वो ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि ऐसे करके उनका जीवन व्यापन बहुत ही मुश्किल में आ जाएगा। देखना होगा कि क्या सरकार इनकी ये बात मानेगी, या फिर विकास के लिए जो भूमि अधिग्रहण किया गया है उस पर काम यूं ही चलता रहेगा। मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता, वो इतने बड़े बिजनेसमैन जो हैं। जी हाँ, लेकिन अब मुकेश अंबानी ने अपनी दो कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने की बात सामने रखी है, तो सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं मुकेश अंबानी, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान भी अपनी कंपनी को नई ऊंचाई देने की पूर्णतोड़ कोशिश करी, और हालांकि उन्होंने अपनी कंपनी को कर्ज मुक्त भी घोषित कर दिया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने इस दौरान 2.2 लाख करोड़ की राशि भी जुटाई है। सवाल ये भी है कि आखिर मुकेश अंबानी इतनी बड़ी राशि का करेंगे क्या, और इस राशि को जुटाने में फेसबुक ने भी उनकी मदद की है। दरअसल वो स्टार्टअप वाली कंपनियों को सहायता करेंगे और अपनी बाकी कंपनियों को भी मजबूत बनाने की इस राशि से कोशिश कर रहे हैं। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि वो अगर मजबूत बनेंगे तो भारत में रोजगार और बढ़ेगा। हम सब जानते हैं, हमने इतिहास में पढ़ा है कि भारत और चीन का बहुत साल पहले युद्ध हुआ था, जिस पर भारत ने विजय प्राप्त नहीं की थी। लेकिन इस बार चीन बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है भारत को फिर से हराने की। 6 महीने से लगातार चीन भारत को परेशान करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। जहां भारत हर बार बातों से उनको समझाना चाहता है, वहीं चीन कुछ ना कुछ नया एंगल लेकर आ जाता है। इस बार चीन का नया ही चेहरा सामने आ रहा है। दरअसल चीन हाइब्रिड वॉर के पूरे मूड में है। जी हाँ, हाइब्रिड वॉर क्या होता है,
ये सूत्रों के मुताबिक खबरें आ रही हैं कि चीन 10,000 भारतीयों का डेटा चुरा रहा है। जी हाँ, उनके हर एक गतिविधि को, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, उन पर निगरानी कर रहा है, साथ ही जासूसी जैसी चीज़ भी कर रहा है, जिसमें हाई प्रोफाइल केसेस शामिल हैं, चाहे वो बात हो नरेंद्र मोदी जी की या फिर सोनिया गांधी की। जी हाँ, चौंकाने वाली खबर है कि चीन किस तरह से 10,000 भारतीयों का डेटा चोरी कर रहा है और साथ ही साथ जासूसी कर रहा है। अब उनको भारत किस तरह से जवाब देगा, क्या ये युद्ध होगा या नहीं होगा, हम सब नहीं जानते, लेकिन हम सब यही कामना करते हैं कि चीन को समझदारी से काम लेना चाहिए और युद्ध जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। आजकल टेलीविज़न का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है। टेलीविज़न एक ऐसा इडियट बॉक्स भी कहा जाता है, जहां पर लोग अपनी एंटरटेनमेंट के लिए उसको सारा दिन चला के रखते हैं। जी हाँ, और लॉकडाउन के दौरान तो टेलीविज़न की मांग और बढ़ गई है। हालांकि आजकल लोग मोबाइल इंटरनेट से ही अपने एंटरटेनमेंट का साधन खोज लेते हैं, लेकिन अगर मैं टीवी की बात करूं तो टीवी की कीमतें 1200 से 1500 बढ़ सकती हैं। दरअसल 5% आयात पर जो रियायत थी वो इस महीने ख़त्म हो गई है, तो अक्टूबर में अगर आप टीवी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ हज़ार रुपये ज़्यादा देने होंगे। तो अगर आप मेरी माने तो अगर आप टीवी खरीदना चाहते हैं तो यही महीना है जब आप टीवी खरीद सकते हैं। हालांकि आजकल लोग मोबाइल की दुनिया से ही बाहर नहीं आना चाहते, तो चलिए एक और ख़ास खबर आज अभी आपके लिए लेकर आती हूँ। हम सब जानते हैं कि मानसून सत्र संसद में शुरू हो चुका है, ऐसे में सारी सावधानियां बरती जा रही हैं कोरोना वायरस को लेकर। 18 दिन तक चलेगा ये सत्र और साथ ही बहुत एहतियात भी बरती जा रही है। सुबह शाम बैठक होंगी, ऐसा पहली बार हो रहा है और बहुत दिनों बाद पत्रकारों का सामना नरेंद्र मोदी जी से हुआ। पत्रकारों को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले उनका हालचाल पूछा, उनके परिवार का कुशल मंगल पूछा और साथ ही उनको राय दी कि कोरोना के इस संकट में उन्हें एकजुट खड़ा होना होगा और खुलेआम अगर वो नहीं घूम सकते, आज़ादी अगर उन्हें नहीं है अभी हाल फिलहाल में, जब तक वैक्सीन ना आ जाए घूमने की, तब तक उन्हें बहुत ही एहतियात से रहना होगा। और यही जानकारी हम आपको हर बार देते हैं कि कोरोना के इस संकट में आपको खुद का और अपने परिवार का ध्यान रखना होगा, बहुत सावधानी बरतनी होगी, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ध्यान देना होगा, साथ ही हाथ धोना बिल्कुल ना भूलें। भाजपा सांसद और भोजपुरी एक्टर रवि किशन ने मानसून सत्र में ड्रग्स का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बॉलीवुड के कई दिग्गजों का नाम ड्रग्स तस्करी में आ रहा है, उसके देखते हुए सरकार को उन पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जी हाँ, हम आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के केस का मामला खुलते खुलते अब ड्रग्स का नया एंगल भी सामने आ गया है। NCB ने रिया के साथ साथ कई ऐसे नामी ग्रामी लोग हैं जिनको ड्रग्स तस्करी में अपनी गिरफ्त में ले लिया है और भी बाकी नाम हैं जो अभी आने बाकी हैं। लेकिन ऐसे में रवि किशन ने मुद्दा उठाया है ड्रग्स का और कहा है कि चीन और पाकिस्तान में भी निर्यात और आयात होता है ड्रग्स का, ऐसे में किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। बताना चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऐसे कौन से फेवरेट IAS ऑफिसर हैं जिनको सरकार ने सीधे PMO ऑफिस में काम करने का मौका दिया है। दरअसल इन तीनों IAS ऑफिसर की नियुक्ति PMO में हो चुकी है, जल्द ही वो अपना कार्यकाल संभालेंगे। अब आप उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि ऐसे कौन तीन महारथी हैं जिनको नियुक्त किया गया है खासतौर पर PMO ऑफिस में। तो आपको बता दें, पहले हैं आम्रपाली काटा, जी हाँ रघुनंद राज, और साथ ही मंगेश घड़ियाल। ये तीनों नाम हैं जो अब PMO पर काम करेंगे और अपनी नियुक्ति जल्द ही वहाँ पेश करेंगे। हम सब इनको बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये अपना कार्य पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। जैसे कि हमने शुरुआत में आपको बताया था कि हम सुशांत केस की अपडेट आपको देंगे, तो आपको बताना चाहते हैं कि पत्रकारों ने NCB के डिप्टी डायरेक्टर से जब सवाल पूछा सारा अली खान और रकुल प्रीत का ड्रग्स मामले में नाम आने के बाद, तो उन्होंने कुछ भी कमेंट करने से इनकार कर दिया। और साथ ही आपको एक और जानकारी दे दें कि कल यानी 14 सितंबर को बहुत ही प्रचलित था #FlagForSSR। हर किसी ने, हज़ारों लोगों ने फ्लैग के साथ अपना तस्वीर साझा किया। जी हाँ, आपने सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी तस्वीरें साझा की।
ऐसे में हम यही उम्मीद करते हैं कि सुशांत को जल्द से जल्द न्याय मिले। अब आपको ऐसी टेक्निकल खबर सुनाते हैं जो आपको चौंका देगी। दरअसल बात यह है कि आप लोग अगर परेशान हैं कि आपका डेटा चोरी हो रहा है या फिर आपका फ़ोन का एक्सेस कहीं और से भी ऑपरेट हो रहा है, तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। पहली बात तो ये कि जो भी ये हैकर हैं, ये सबसे पहले ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को निशाना बनाते हैं। जी हाँ, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करने में महारत हासिल कर चुके हैं तो आपको बहुत सावधान रहना होगा। दूसरा, अगर आप किसी भी पब्लिक पोर्ट में चार्जिंग पॉइंट पर अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए रखते हैं तो बिल्कुल ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ये हैकर्स एक चिप उस बोर्ड में लगा देते हैं और आपके फ़ोन का सारा डेटा वो ले सकते हैं और सारा एक्सेस भी उनको पता कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास कोई भी ऐसा लिंक आता है जिसमें बम्पर प्राइस का लालच आपको दिया जा रहा है तो बहुत ही सावधान हो जाइए। ये हैकर्स आपको अक्सर लालच भी देते हैं। ये जानकारी हमने आपको खास तौर पर दी है ताकि आप लोग सावधान हो जाएं। फिलहाल तो डॉन एक्सप्रेस में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डॉन एक्सप्रेस के साथ, और वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। आपके फ़ोन पर तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जब वीडियो आप तक पहुंचेगी। तो बने रहिए डॉन एक्सप्रेस के साथ। बाकी खबरों के लिए भी कल हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।